गया जिले के टिकारी प्रखंड के लाव पंचायत के लाव गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र के बंद रहने से परेशानी होती है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया, स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद रहने से इलाज के लिए लोगों को तकलीफ हो रही है। रात्रि के वक्त महिलाओं के लिए और भी मुश्किल हो जाती है, ना तो यहां फर्स्ट एड है और ना ही किसी तरह की सुविधा। इस बातों को कटाक्ष करते हुए टिकारी अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि ANM के द्वारा अपनी ड्यूटी अच्छे से की जा रही है, साथ ही सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं और धीरे धीरे उसे बेहतर किया जा रहा है, जबकि हकीकत स्वयं बयां कर रही है। इसे देखकर लगता है कि कई महीनों से उप स्वास्थ्य केंद्र खुला ही नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ कोई ANM नहीं आती है, कभी नहीं खुलता, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट किट का व्यवस्था नहीं, नहीं है, प्राथमिक उपचार का व्यवस्था नहीं, खुलवे नहीं करता है तो कोई व्यवस्था नहीं है। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम आबाद किशोर है। जो हाथ से देख ही रहे हैं, और कहाँ बता रहे हैं, देखिए आप यहाँ का ग्रामीण है, चौकी लगे, कोई कोई सांसद ना है, कोई कोई सुनवाई नहीं जी। एक ANM का पोस्टिंग कुमारी वो जाती प्रत्यक्षण करती है, उसके साथ में आप बगल के क्षेत्र में भी वो प्रत्यक्षण जरूरत होने पर जाती है और दवा भी वो अगर इलाज के लिए वहाँ पास उपलब्ध रहता है। यही व्यवस्था तत्काल लॉ में स्वास्थ्य केंद्र है तो उसमें तो वेट करने ही रहता है, तो प्रत्यक्षण करने के लिए होता है, दवाई बांटने के लिए। अगर ठीक है सर, रात में अगर किसी को इमरजेंसी अगर प्रसव का पीड़ा हो गया सर, तो वहाँ पर तो कोई भी व्यवस्था नहीं होगी? आशा के माध्यम से उन लोगों को एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाता है और प्रसव के लिए वो मंडल अस्पताल में आ जाता है। तो वहाँ पे जो खोलने का क्या प्रपस है सर, जब इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है तो उप केंद्र खोलने का क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है सर, क्या प्रपस है खोलने का? लॉ में ग्रामीण क्षेत्र में खोलने का मतलब है कि वहाँ के नागरिक को ये क्या कहते हैं प्रतिरक्षित किया जाए, बच्चों को प्रतिरक्षित किया जाए और उसके स्वास्थ्य में सुधार होने प्रचार प्रसार किया जाए। सर वो ग्राम पंचायत ग्राम है जिसमें करीब 6 वार्ड, इलाज वाला वो क्षेत्र नहीं है, इलाज के लिए अस्पताल में आना होता है, अस्पताल यहाँ व्यवस्था है, उसके लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था है, आशा वहाँ पर है, आशा और ANM वहाँ पर, ये दो मेरा कार्यकर्ता है, आशा और ANM दोनों कार्य करते हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ पे ना आशा आती है ना ANM आती है। आशा तो ठीक है, मानते हैं सर कि नहीं आते हैं, ना आने की बातें नहीं है, वैसे घर है उसी लोग के लिए ठीक आशा है जी, लेकिन ANM वहाँ पे उपस्थित होना तो अनिवार्य है ना सर, ANM जाती है। लेकिन वो ग्रामीण को कहना है कि हमें दूज का चांद हो गया, कभी कभी दिखाई देती है फिर कभी दिखाई नहीं देते, हमारे पास बाइट है सर, हम दिखा देंगे इस पे। सर क्या आगे से कुछ कदम उठाया जाएगा? ANM जाती है प्रतिरक्षण में, उसको दो तीन जगह मिलता है हफ्ता में, उसके हिसाब प्रतिरक्षण करती है और साथ में कुछ दवाई भी बांटती है। सर क्या ANM डेली जाती है सर वहाँ पर? बोल रहे हैं आप समझ नहीं रहे, बोले हफ्ता में दो तीन दिन उसको जगह बटा हुआ है। अच्छा। उस जगह के हिसाब से जाती है, एक ANM साहब कितना 24 घंटा काम करती है, डेली वो प्रतिरक्षण कर रही है, प्रतिदिन प्रतिरक्षण कर रही है। ठीक है सर, अपना परिचय। हम यहाँ के उपाधीक्षक हैं डॉक्टर मिश्रा, मिश्रा।